वेलकम टू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ए जेमिया। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन ए जेमिया। जेमिया में आज मैं रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा, और यह रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं डेवलप किया था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और जो है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट सॉरी स्टेम एंड लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किए थे, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन जेमिया। ओके गाइज, अब क्या होता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा ही नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्शन के द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है कि न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, या तो वेजिटेटिव या सोमैटिक बॉडी के द्वारा, या तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो इन जेमिया रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके गाइज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जेमिया के जो प्लांट होते हैं, द प्लांट ऑफ द जेमिया, प्लांट ऑफ जेमिया इज ए डायोसियस दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप ऑन द सेपरेट प्लांट पर जो है डेवलप होता है। ओके, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप ऑन द सेपरेट प्लांट आर अदर प्लांट या डिफरेंट प्लांट पर डेवलप होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाय स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाय स्पोर। स्पोर इज ए हिट्रोस्पोरस, हिट्रोस्पोरस दैट इज स्मॉल माइक्रोस्पोर, दैट इज स्मॉल माइक्रोस्पोर एंड लार्ज मेगा स्पोर। ओके गाइज, क्या होता है, इन जेमिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह आपका डायोसियस प्लांट होता है, दैट इज मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलप ऑन द सेपरेट प्लांट पर डेवलप होता है, और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट टेक प्लेस बाय द स्पोर। इसमें आपका जो है टू टाइप्स होता है, स्पोर इज ए हिट्रोस्पोरस होता है, स्पोर इज ए हिट्रोस्पोरस दैट इज स्मॉल माइक्रोस्पोर एंड लार्ज मेगा स्पोर।
ओके गाइज, ये आपका स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, स्मॉल माइक्रो स्पोर एंड लार्ज मेगा स्पोर। स्मॉल माइक्रो स्पोर इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड लार्ज मेगा स्पोर इज नोन एज सॉरी स्मॉल माइक्रो स्पोर इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट्स, लार्ज मेगा स्पोर इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट्स। फीमेल गैमेटोफाइट्स, ओके गाइस, ये आपका हो गया। अब जो है क्या होता है, स्मॉल माइक्रो स्पोर आर डेवलप इन ए मेल कोन्स एंड ए लार्ज मेगा स्पोर आर डेवलप इन ए फीमेल कोन्स। अब हम जो है फीमेल और फीमेल कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आपका मेल और फीमेल कोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मेल कोन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल कोन कैसा होता है। मेल कोन, ओके गाइस, अब क्या होता है मेल कोन। मेल कोन जो है आपका एपिकल पार्ट पे डेवलप होता है, एपिकल आर लैटरल, एपिकल आर आर लैटरल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स पे डेवलप होता है। और यह मॉडिफाइड किससे होता है, मॉडिफाइड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल्स का मॉडिफिकेशन होता है, या माइक्रोस्पोरोफिल्स आर क्लोजली अरेंजमेंट टू फॉर्मेशन ऑफ द मेल कोन। द माइक्रो फिल्स आर क्लोजली अरेंजमेंट, अरेंजमेंट टू फॉर्म ए मेल कोन, एक मेल कोन का फॉर्मेशन करता है। और इच मेल कोन्स आर डेवलप टू फार्म स्टराइल सेल इज नोन एज एक्सिस आर फाउंड सेंटर ऑफ द मेल कोन, एक्सिस आर फाउंड सेंटर ऑफ द मेल कोन, आर फाउंड सेंटर ऑफ मेल कोन, मेल कोन के सेंटर में यह पाया जाता है। इट इज हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट्स सपोर्ट्स एंड बियर्स फर्टाइल सेल्स सच एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके गाइज, यह फर्टाइल सेल्स बियर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यह आपका जो है स्टराइल मेल कोन सेल हो गया। ओके गाइज, यहाँ पर देखिए आप जो है मेल कोन्स आर अकर इन द एपिकल आर लैटरल पार्ट ऑफ द प्लांट्स पे यह पाया जाता है। यह मॉडिफाइड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स का मॉडिफिकेशन होता है। द माइक्रोस्पोरोफिल्स आर क्लोजली अरेंजमेंट टू फार्म ए मेल कोन। इच मेल कोन डेवलप टू फार्म स्टराइल एंड फर्टाइल सेल,
स्टराइल और फर्टाइल सेल का फॉर्मेशन करता है। स्टराइल सेल इज नोन एज एक्सिस, एक्सिस आर फाउंड सेंटर ऑफ द मेल कोन। ओके, इट हेल्प इन द, आप एक्सिस का काम क्या है, हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड बियर फर्टाइल 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 सेल्स दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम को यह क्या करता है, बियर करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं। स्टराइल सेल तो हो गया, इसमें आपको एक टॉपिक है, एक पार्ट है फर्टाइल सेल क्या होता है। फर्टाइल सेल इज नोन एज या द माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज फर्टाइल सेल। फर्टाइल सेल, द माइक्रोस्पोरेंजिया इज नोन एज फर्टाइल सेल। फर्टाइल सेल्स इज नोन एज फर्टाइल सेल। द न्यूमरस माइक्रोस्पोरेंजिया आर अकर्स इन ए मेल कोन। न्यूमेरस माइक्रोस्पोरेंजिया आर अकर्स इन ए मेल कोन। मेल कोन में आपका न्यूमेरस माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ, इट इज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इट इज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेटोफाइट्स एंड माइक्रोस्पोर, मेल गैमेटोफाइट्स दैट इज माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन में यह सहायता करता है। ओके गाइस, ये आपका मेल कोन हो गया। यहाँ पे ध्यान देखिए आप, क्या होता है मेल कोन। मेल कोन जो होता है वह एपिकल आर वाल लैटरल पार्ट ऑफ द प्लांट पे डेवलप होता है या मॉडिफाइड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोफिल्स का, या मॉडिफिकेशन होता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स आर क्लोजली अरेंजमेंट टू फार्म ए मेल कोन। इच मेल कोन है आर डेवलप टू फार्म ए स्टेराइल एंड फर्टाइल सेल। ओके, स्टेराइल सेल इज नोन एज एक्सिस, एक्सिस आर फाउंड सेंटर ऑफ द मेल कोन। मेल कोन के सेंटर में यह पाया जाता है। और इट हेल्प इन द मैकेनिकल सपोर्ट्स, एक्सिस का काम क्या है या क्या हेल्प करता है, यह चीज़ें आपको यहाँ पे केयर करना है। यह मैकेनिकल सपोर्ट्स में प्रोवाइड करता है एंड बियर द फर्टाइल सेल सच एज माइक्रोस्पोरेंजिया, या माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करता है। न्यूमरस माइक्रोस्पोरेंजिया आर अकर्स इन एक्सिस, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस के ऊपर न्यूमरस माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट पार्ट इसमें देखिए, यहाँ पर आपका फर्टाइल सेल है। द माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज फर्टाइल सेल। न्यूमरस माइक्रोस्पोरेंजियम आर अकर इन ए मेल कोन। इट इज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स आर ओ आर माइक्रोस्पोर। ओके गाइज, मेल कोन्स इज ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ए आस्किंग एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो है 4 नंबर या 60 क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, मेल कौन फीमेल कौन क्या होता है, यह चीज़ें आपको पूछा जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर के बारे में आप देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए या सपोज करिए या कोई के एक्सिस बना देते हैं एक्सिस। ओके,
अब एक्सिस बन गया है तो इसमें जो है एक एक पार्ट यह होता है या स्टाल किसको हम कहते हैं। अब इसी में जो है न्यूमरस जो है आपका न्यूमरस पार्ट ऑफ द मेल कोन डेवलप होता है। एक तरफ से आपका जो है यहाँ पर यह निकला रहता है आपका यह आपका जो है कैसे मेल कौन है मेल कौन इसमें क्या है या स्टाल्क है स्टाल्क यह आपका क्या है माइक्रोस्पोरोफिल और यह क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया यह आपका क्या है एक्सिस। ओके गाइस ये आपका एक्सिस हो गया एक्सिस। एक्सिस यह आपका एक्सिस हो गया यह आपका क्या है देखिए यहाँ पर यह जो है दो पार्ट स्टेराइल और फर्टाइल सेल डेवलप होता है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक्सिस जो है आपका यह सेंटर में पाया जाता है और यह हमेशा जब भी करता है डेवलप सपोर्ट का काम करता है मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है और बीयर्स न्यूमरस माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल्स के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। यह माइक्रोस्पोरोफिल्स क्लोजली अरेंजमेंट हो जाता है तो यह जो है मेल कोन का फॉर्मेशन कर देता है। अब इसी मेल कोन के आधार पर हम डेवलपमेंट करेंगे क्या पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे होता है यह चीज़ें मैं इसमें अब डिस्कस करूँगा। इसके बाद यह फिगर है यहाँ पर देखिए स्टाल का है यह मेल कोन है यहाँ पर एक जो है हम इसमें से एक अगर फिगर निकालेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट करने के लिए तो आपको इसके इसमें जो है इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आपको इसमें बता दिए हैं कि यह जो है आपका एपिकल और लैटरल पार्ट पर डेवलप होता है और जो है इसमें स्टेराइल और फर्टाइल दो पार्ट होते हैं। स्टेराइल सेल यहाँ पर देखिए आपका एक्सिस हो गया फर्टाइल सेल आपका जो है माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया यह सेंटर में है यह सपोर्ट का काम करता है यह फर्टाइल सेल बियर करता है। ठीक है गाइस ये आपका हो गया क्या मेल कोन हो गया। अब इसके बाद आपका जो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम अब हम स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें जेमिया में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे होता है यह चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बात यह है कि आपका जो है यह मेल कोन बहुत इम्पोर्टेंट है यह पूछा जाता है यह एग्ज़ाम में आता है इसको आप अच्छे से जो है प्रिपेयर करिएगा क्योंकि 60 क्वेश्चन के लिए एक मेल या फीमेल कोन फिक्स है कहता है। आप ऐसे फिगर बनाइए अपना जो है इसको डिस्कस करिए स्टडी करिए और बताने मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कैसे इसमें बनाना है कैसे लिखना है ये सब चीज़ें आप देखिए। ओके गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम।
अब जेमिया में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, यह चीज़ें हमें आपको बताना है, क्योंकि मेल कोन में ही इसका डेवलपमेंट होता है। अब लिखेंगे क्या, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके गाइज, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में अब हम आपको जो है बताएंगे कैसे होता है। तो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, अब क्या होता है, पहले हम माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन किस में होता है यह लिखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम इन ए मेल कोन, यह मेल कोन में डेवलप होता है, और न्यूमेरस माइक्रोस्पोरेंजियम आर अकर्स इन ए मेल कोन, न्यूमेरस माइक्रोस्पोरेंजियम आर अकर्स इन ए मेल कोन, यह मेल कोन में न्यूमेरस डेवलप होता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स सच एज माइक्रोस्पोर। ओके गाइस, माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में सहायता करता है। अब यही जो है आपका द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम यू स्पोरेंजिएटी, यू स्पोरेंजिएटी दैट इज ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल। द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम यू स्पोरेंजिएटी दैट इज ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल, द ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल आर डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक, इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ओके गाइस, तो आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, यहाँ क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन ए मेल कोन, न्यूमेरस माइक्रोस्पोरेंजियम आर अकर इन ए मेल कोन्स, इच माइक्रोस्पोरेंजिया आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स आर माइक्रोस्पोर, द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम यू स्पोरेंजिएटी दैट इज ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल, ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल के द्वारा ये डेवलप होता है, आउटर प्राइमरी पैरा द ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल
आर डिवाइड बाई डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। द आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल आर डिवाइड बाई पेरिक्लाइनली टू फॉर्मेशन ऑफ आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल आर डिवाइड बाई पेरिक्लाइनली टू फॉर्मेशन ऑफ द फोर वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, फोर वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, आउटर लेयर, आउटर वॉल इसे कहते हैं, मिडिल लेयर, आर ओ आर मिडिल लेयर एंड नेक्स्ट इनर लेयर। ओके गाइज, आउटर वॉल लेयर क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपको। द आउटर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स आर डिवाइड बाई डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द आउटर वॉल लेयर एंड मिडिल वॉल लेयर एंड इनर वॉल लेयर, ओके, ऑफ द माइक्रो स्पोरेंजियम या माइक्रो स्पोरेंजिया। आउटर वॉल लेयर इट इज ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इट इज ए आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर एंड मैड थिन सेल्स एंड हेल्प मैकेनिकल सपोर्ट्स और प्रोटेक्शन का काम करता है। मिडिल लेयर इट इज मैड थिन सेल हैव ए वन टू टू लेयर आर ओ आर थ्री लेयर, वन टू 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 लेयर आर ओ आर थ्री लेयर, इनर लेयर इट इज ये हेल्प क्या करता है, मिडिल लेयर हेल्प क्या करता है, इट इज हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोर करता है, इट इज हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड, फूड को स्टोर करने में यह सहायता करता है। और इनर लेयर क्या करता है, इट इज नोन एज टैपटम लेयर, टैपटम लेयर इट इज नोन एज टैपटम लेयर, इट इज ए इनर मोस्ट लेयर होता है, और यह हेल्प इन द न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स, इट इज हेल्प इन द न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर, इट इज हेल्प इन द न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स, न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में यह क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करता है। इट इज़ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, हेल्प इन द प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इट इज़ हेल्प इन द प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, दिस इज नोन एज टैपटम लेयर आर आल्सो नोन एज न्यूट्रिटिव लेयर, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरफ से न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज न्यूट्रिटिव लेयर, ओके गाइज, यह आपका हो गया आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन ए मेल कोन्स, मेल न्यूमरस माइक्रोस्पोरेंजिया आकर इन ए मेल कोन्स, माइक्रोस्पोर आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द मेल, माइक्रोस्पोरेंजियम आर डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द मेल कोन आर और माइक्रोस्पोर, इस माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम फ्रॉम यू स्पोरेंजियटी
दैट इज ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। ओके गाइस, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर इज नोन एज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, थिक लेयर और थिन लेयर होता है। यह मैकेनिकल सपोर्ट्स का प्रोवाइड्स करता है ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। मिडिल लेयर इट इज अ थिन लेयर विच हैव कंसिस्ट ऑफ वन टू टू आर ओ आर थ्री लेयर्स। इट इज हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड, फूड स्टोरेज करने में यह सहायता करता है। इनर लेयर आर फाउंड द मिडिल लेयर के नीचे पाया जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज टैप्टम लेयर। टैप्टम लेयर इज ए इनर मोस्ट लेयर होता है। इट इज हेल्प इन द प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर। इनर लेयर आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिटिव लेयर। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। ओके गाइज, इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, द इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स आर डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म डिवाइड एंड रीडिवाइड डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू आर आर मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल्स जीनस सेल्स। ओके, इच स्पोरोजीनस सेल्स आर लास्ट जनरेशन बिहेव्स, लास्ट जनरेशन बिहेव्स माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल एम एम सी माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में बिहेव करता है। ओके, इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल्स लास्ट विच इज लास्ट जनरेशन बिहेव द इच मास ऑफ स्पोरोजीनस सेल। दिस स्पोरोजीनस सेल्स आर लास्ट जनरेशन बिहेव्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए माइक्रोस्पोर लास्ट जनरेशन बिहेव्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। इच माइक्रोस्पोर मदर सेल हैव ए डिवाइड बाई मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाई मियोसिस, मियोसिस टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर, फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर, फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। ईच हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर, ईच हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर इज नोन एज, ईच हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर
फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर, ईच हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट्स, मेल फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट्स, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट्स। ओके गाइस, यह फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट्स होता है जो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर गैमेटोफाइट्स या मैच्योर गैमेट्स, मेल गैमेट्स एक तरफ से, ठीक है। ओके गाइस, यह ध्यान देखिए यहाँ पर क्या है, यह इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स आर डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल, इच मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल या दिज स्पोरोजिनस सेल लास्ट जनरेशन बिहेव्स माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस टू फार्म फोर हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर, इच हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर इज नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स, या फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स बिहेव करता है। ओके गाइस, ये आपका प्राइमरी इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसके पहले जो स्टडी किए थे वो जो है आउटर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था। अब हम इसके फिगर के बारे में थोड़ा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मान लीजिए हम कोई यह जो है आपका यह हम कोई सेल लेते हैं आपका, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी सेल के बारे में हम इसमें बात करते हैं, तो यह आपका हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह आपका जो है सुपरफिशियल इनिशियल सेल, ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल, सुपर फिशियल इनिशियल सेल, ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल, और इसमें क्या होगा मियोसिस डिवीजन हो जाता है, अरे सॉरी यह डिवाइड होगा, डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्मेशन कर देता है, ये आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, एंड इनर स्पोरोजिनस सेल, इनर स्पोरोजिनस सेल्स। ओके गाइस, अब ये डिवाइड एंड री डिवाइड करेगा न्यूमरस जो है आपका या न्यूमेरस लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, यह आपका हो गया क्या, यह आउटर वॉल लेयर, आउटर वॉल लेयर, यह आपका मिडिल लेयर हो जाएगा,
और ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये जो है आपका ट्रैपेटम लेयर, ट्रैपेटम लेयर हो गया या इनर लेयर इसको बोलते हैं। और इसमें हम क्या कहेंगे, यह जो है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसमें जो सेल है यह आपका स्टाल्क है। गाइस जी आपका क्या हो गया, स्टाल्क। अब इसमें क्या होता है, अगर हम और इसमें और डेवलपमेंट देखते हैं तो इसका जो डेवलपमेंट हो जाता है तो इसमें जो वाल लेयर होता है यह आपका और इसमें मिडिल लेयर या 1-2-2 लेयर होता है, मिडिल लेयर 1-2-2 लेयर होता है, या आपका ट्रैपेटम लेयर हो गया। ओके गाइज ये आपका ट्रैपेटम लेयर हो गया। अब इसमें जो है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। अब इसी में डिवाइड होगा तो ट्राई रेडिएट आपका जो है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम किसी भी ट्राई रेडिएट माइक्रोस्पोर के बारे में देखते हैं, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर यह दिखाई देता है, यह माइक्रोस्पोर हो गया और ट्राई रेडिएट। और यह आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर हो जाएगा। यह आपका क्या है, एग्जाइन इंटाइन, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म, ये क्या हो गया माइक्रोस्पोर। ये आपका माइक्रोस्पोर हो गया या तो फिर मेल गैमेटोफाइट्स, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट्स। और अगर यहाँ पर हम एक वो थोड़ा सा आपको मैं इसमें एक वो दिखा देते हैं, मेल कोन, मेल कोन के बारे में अगर हम दिखा देते हैं तो सेम ऐसे जैसे हम बनाए थे उसमें फिगर में आपको ऐसे इसमें भी होता है। तो यह जो है आपका डेवलपमेंट आपका क्लियर हो जाता है। इसी में से एक हम निकाल के दिखाते हैं कैसे इसमें डेवलपमेंट होता है। यह है ना जो हम बनाए थे, यह आपका माइक्रोस्पोर जैसे मेल कोन है, यही आपका इसमें डेवलपमेंट ऐसे होता है जो हम पढ़ाए बताए थे। तो यह आपका न्यूमेरस हो गया मेल कोन और बीच में एक्सिस हो गया, यहाँ पर यह मेल कोन है। इसके पहले मैं अच्छे से फिगर ने बनाया हूँ, यह आपको देख लीजिएगा, यह आपका हो गया और यह आपका जो है एक्सिस हो गया सेंटर में, यह आपका माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, यह माइक्रोस्पोर हो गया, स्टाल्क हो गया, यह हो गया। और यहाँ पर देखिए यह जो है सुपरफिशियल इनिशियल सेल यह डेवलप करके आर्ची स्पोरियल सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो यह आर्ची स्पोरियल सेल में डिवीजन हो जाता है तो आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा और इनर स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके गाइज, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द आउटर वाल लेयर और मिडिल वाल लेयर एंड ट्रैपेटम लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब यही ट्रैपेटम लेयर जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर। यहाँ पर देखिए आप
माइक्रोस्पोर है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करता है फॉर द डेवलपमेंट। अब टेप्टम लेयर एब्जॉर्ब करता है मिडिल लेयर से, अपना जो है ये ट्रांसफ़र करता रहता है। ये मिडिल लेयर 2 to 3 लेयर होता है, तो क्लियर है आपको। और इसके बाद ये टेप्टम लेयर सिंगल लेयर होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू या स्टाल्क है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए यह स्पोरोजिनस टिश्यू जो है लास्ट जनरेशन बिहेव करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल यम यम यम, इसको हम क्या करते हैं यम सी, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या लास्ट जनरेशन बिहेव करने लगेगा। यह जो है स्पोरोजिनस टिश्यू लास्ट जनरेशन बिहेव करने का माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल आर डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्मेशन ऑफ द 4 हैप्लॉयड या ट्राई रेडिएट माइक्रोस्पोर, या ट्राई रेडिएट माइक्रोस्पोर का एक पार्ट हम जहाँ भी यहाँ पर देखते हैं। तो यह जो है आपका माइक्रोस्पोर हो गया। अब माइक्रोस्पोर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में बताएंगे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, कैसे इसका जो है स्टडीज के बारे में करते हैं। तो ये आपका हो गया आज के वीडियो में स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। मेल कोन क्या होता है, मेल कोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप डिस्कस करिए और पढ़िए अच्छे से, इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, और जो है डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके गाइज, गुड बाय। ये आपका क्लियर हो गया, इसको आप जो है स्टडी करिए और इसको जो है अच्छे से बढ़िया से जो है डिस्कस स्टडी करिए, ध्यान दीजिए, और जो है इसका फिगर भी ड्रा करिए, क्योंकि यह जो है यह सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको केयर करिए। ओके, गुड बाय।